Ishpreet Blogs. Ishpreet Blogs. Like, share, subscribe and watch. Ishpreet. Welcome to Ishpreet Blogs. Hi guys, welcome to Ishpreet Blog again. कैसे हैं आप सभी लोग? I hope सभी लोग अच्छे होंगे. So guys, this is my fourth vlog and अभी 31 दिसंबर को मम्मी पापा की मेरी बरसी थी एंड हम सभी लोग ने बरसी को अच्छे से निपटाया, और क्योंकि लास्ट काम होता है मम्मी पापा के लिए, सो इसलिए भी ब्लॉगिंग में थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि आप सभी को आई थिंक पता होगा कि काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, काफ़ी रिचुअल्स को हमको फॉलो करना पड़ता है. सो गाइज, मेरी स्कूल की पड़ी है वैकेशंस और 17th को इनफैक्ट मेरा स्कूल ओपन होने वाला है, तो 2-3 दिन है मेरे पास, तो मैंने सोचा चलिए हम घूम के आ जाते हैं अपने उत्तराखंड में, क्योंकि कोविड की वजह से यू नो केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग कहीं बाहर जा नहीं सकते. सो अपने ही उत्तराखंड में एक प्यारी सी जगह हम लोग जाने वाले हैं, सो वो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में. तो चलिए देखते हैं प्रीति क्या कर रही है अंदर, शायद रेडी हो रही है. हाय, गुड मॉर्निंग. क्या हो रहा है? बस रेडी हो रही हूँ. थोड़ा सा लेट हो गया. ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्या होता है भाई? मतलब कपड़ा है क्या? हाँ, मतलब थोड़ा सा. तो मैंने सामान रख लिया है गाड़ी में और हम लोग अब नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं. सामान मैंने पहले रख दिया था गाड़ी में. चलो गाइस, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ अब. यो माचो, मैंने गाड़ी पहले ही स्टार्ट कर दी थी, थोड़ा गर्म हो जाए गाड़ी. तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं टिहरी अभी, लेकिन हमने बुकिंग अपनी करी नहीं अभी, हमें ये नहीं पता हम लोग रहेंगे कहाँ, ऐसे ही देखते हैं. हाँ, स्टिल चलो फिर चलते हैं, और रास्ते से आपको हम लोग रूबरू करते रहेंगे और आपसे रूबरू होते रहेंगे. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. किसलिए ड्राइव कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से थोड़ी कुछ बात कर लूँ, या मैं बताऊँ हम लोग कहाँ हैं. हम वैसे कहाँ हैं? अभी रायपुर में नहीं, नहीं हम लोग हाँ महाराणा प्रताप कॉलेज के आसपास पहुंच चुके हैं. और सबसे मजे की बात ये है कि इससे पहले जितने भी हमने हमारे 3 ब्लॉग्स बने, हमारा रूट यही रहा है. चलिए मैं आपको थोड़ा सा रास्ता दिखा दी आगे कि हम कहाँ पे हैं. सामने की धूप देखिए, यहाँ पे फॉगी पूरा वेदर हो रहा है. गाइस, हम लोग पहुंच गए थानो चौक. मैंने ये समोसे पैक कराए हैं अभी यहाँ से, और इसको हम आगे खाएंगे. आगे बहुत अच्छी शॉप है, छोटा सा खोखा है चाय का, वो वहाँ से मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा. बहुत प्यारी सी जगह है, आप भी वहाँ आके चाय पियेंगे. चलिए, और एक जलेबी भी है इसमें. तो गाइस, हम लोग वो जगह पहुँचने वाले हैं जिसकी बात पिछले कर रहे थे. पता नहीं खुली होगी कि नहीं खुली होगी. हाँ, मॉर्निंग का टाइम है. देखिए ये है वो दुकान जिसकी बात कर रहे हैं पिछले, और यहाँ से सामने का व्यू. बट आज अंकल की शॉप बंद है और मेरे समोसे हो रहे ठंडे. अब हमें आगे कहीं शॉप पे रुकना पड़ेगा अपने समोसे खाने के लिए. तो गाइस, हम लोग यहाँ से चल गए हैं. एक शॉप में रुके तो हैं, पता नहीं यहाँ पे चाय मिलेगी नहीं मिलेगी. चलिए देखते हैं, भैया चाय मिल जाएगी? दो चाय बना दो यार. ये हम लोग हैं तिवारी रेस्टोरेंट में, हमारे समोसे भी ठंडे हो गए यार. और अभी हमारे साथ तिवारी जी हैं और हमारी चाय बन रही है, देखिए फर्स्ट क्लास. कि खाने में दाल चावल रोटी सब्जी, हम पहाड़ी में परौठा बोलते हैं. और मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ जिसको हम क्या कहते हैं, पल्लर. ये देखिए पल्लर, ये आपने कभी पिया है? एंड ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत पेट के लिए बहुत ज्यादा. आप कुछ बताइए इसके बारे में. इसके बारे में ये बताऊंगी, बहुत अच्छा होता है. पहले बनता था क्योंकि मेहनत करने वाली चीजें पहले ही होती थी, अब लोग मेहनत नहीं करना चाहते तो ये चीजें होती नहीं है. ठीक है, टाइम लगता है इसको बनाने में. बताइए किसमें बनता था, मटके में कुछ ऐसा कुछ? पहले तो मटके वटके में ही बनता था. अच्छा, अभी भी उसी में बनता है क्योंकि टेस्ट ही उसी चीज उन्हीं चीजों में आता है जो मटका होता है उसमें.
काफी टाइम तक रखते हैं। आई थिंक तीन दिन बिल्कुल बंद करके रख देते हैं, बंद करके कपड़े से पूरा ढक देते हैं उसको। अच्छा, उसके बाद फिर जो टेस्ट निकल के आता है वो ये है जो मुझे आज मिल गया। पल्लर। यस। अच्छा, चाय बस बनी गई है और कप में डल चुकी है। और हमारे चटोरे किशले जी, यार बहुत भूख लग रही है। मैं बचपन से पता है कैसे खाता था, हम लोग एक नेगी फूड शॉप हुआ करती थी तो स्कूल से हम लोग आते थे और मेरा खाने का तरीका मैं आपको बताऊं, जैसे ये मैंने इसकी बाइट मारी है चाय की भी, वाह क्या यूनिक तरीका है। तो गाइस हमने नाश्ता कर लिया है थोड़ा थोड़ा और अब हम निकल गए हैं अपने रास्ते की तरफ और हम लोग ऋषिकेश के आसपास ही हैं और आज हम लोग एक नए रूट को एक्सप्लोर करेंगे, वो मैं आज तक उस रूट में गया नहीं हूँ। वैसे तो टिहरी चंबा जाने के वाया ऋषिकेश भी जाते हैं तो एक रूट पहले ही कट जाता है वहाँ के लिए, तो आज हम लोग वाले रूट को फॉलो करेंगे। तो गाइस हम लोग उस रूट पे पहुंच गए हैं, ये देखिए ये है वो रूट जहां से मैं टर्न लेना है अंदर। काहे मुंह बनावत हो बबुआ, कुछ खुशबू आई उनके ऊपर, पी रहे होंगे और क्या। सो गाइस हम लोग अभी रास्ते में रुके हैं, सामने सोचा चलिए थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं और सामने देखिए चंबा दिख रहा है बिल्कुल, वो देखिए सामने तो चाय की दुकान भी मैं दिखाता हूँ। क्या वाईफाई दे दो। तो आपने क्या ऑर्डर किया अंदर? कुछ नहीं है, सिर्फ चाय मिलेगी। मुझे लगा ये चाउमीन अच्छी बनाएंगे वगैरह, कुछ नहीं है, बनाने वाला भी नहीं। हमारी चाय आ चुकी है। आपका नाम भैया? सुनील। थैंक यू। इतनी गंदी चाय हो रही है, इसको पीना मुश्किल हो रहा है, कैसे बोलूं मैं, बगल में ही था खड़ा हुआ। सो हम अपने होटल पहुंच गए हैं ली रॉय एंड दिस इज द एंट्रेंस। हाय गाइस गुड आफ्टरनून। सो हम लोग पहुंच गए हैं टिहरी लेक एंड हम लोग ने यहाँ पे एक होटल किया है ली रॉय होटल। हमारी गाड़ी पार्किंग में लगी है, मैं अब आपको यहाँ से व्यू दिखाने वाला हूँ जो फ़िलहाल प्रीति भी एंजॉय कर रही है। कैसा लगा आपको व्यू? अच्छा, रूम से बहुत अच्छा दिख रहा है। ये आप जो देख रहे हैं सामने महाराजा का महल यहाँ पे और पुरानी टिहरी है जो अब पूरे इस पानी में समा गया है, देखिए। अभी वो बोल रहे थे कि ये पानी अगर कम हो जाएगा तो आपको राजा का महल तो राजा का महल जो डूबा हुआ है वो दिखाई देगा। और अभी वो बोल रहे थे कि कुछ दिन पहले आते तो ये पानी यहाँ तक था, पानी का लेवल इस ये जो बाउंड्री है होटल की बाउंड्री आप ये देख रहे हैं, ये होटल की बाउंड्री तक पानी का लेवल था। एंड अभी कुछ दिन पहले ही अब क्योंकि पानी कम हुआ है तो अभी पानी यहाँ नीचे तक आ रखा है। और ये पल्लर पीते हुए तो आइए अभी हम लोग चल रहे हैं होटल के अंदर, हमारा लगेज ऑलरेडी चले गया है। हेलो राजकुमार जी, हाय हाउ आर यू? ही इज़ द जीएम ऑफ ली रॉय होटल टिहरी। तो सर आप कब से हैं यहाँ पे? मैं प्री ओपनिंग से हूँ यहाँ पर। सो क्या रिस्पांस आ रहा है अभी थोड़ा सा हमारे? अभी तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस बाय बैंक ऑफ भागीरथी रिवर व्हिच इज मेन रिवर फॉर द गैंजेस व्हिच हैज कम ऑल द वे फ्रॉम द हेवन टू द अर्थ। Okay. And we are very happy and we are lucky enough to have on the banks of River Bhagirathi to have great guests like you. Thank you so much. Wish, I hope you enjoy the stay with us. Bilkul sir, bilkul. Sorry. Thank you so much. Thank you. Okay. So we are going to go to our room. Pallar.
नहीं पल्लर 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 पल्लर। सो हम लोग आ गए हैं लिफ्ट में, आइए अब हम अपने रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा लगेज पहुंच चुका है इनसे पहले। यहाँ पे देखिए ये सिटिंग एरिया है और ऊपर इनका रेस्टोरेंट है यहाँ पे। वाओ ग्रेट। सो गाइस दिस इज आवर रूम एंड इस रूम का जो नाम है वो है प्रीमियम लेक व्यू रूम। एंड बहुत अच्छा यहाँ से व्यू दिखता है, बस ड्रॉबैक एक ही है कि यहाँ पे बैल्कनीज नहीं है। प्रीति से मैं बोलूँगा कि यहाँ का ये कर्टेंस खोल के एक बार दिखाएं, व्यू दिखाएं। ओह वाह। सो गाइस देख रहे हैं आप यहाँ से व्यू, कितना ऑसम व्यू आ रहा है पूरी टिहरी लेक का। इनफैक्ट यहाँ पे दो दो विंडोज जो हम मॉर्निंग यहाँ पे अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। एक बार टॉयलेट भी दिखाते हैं यहाँ। हाँ भी दिखा दो फिर बाद में दिखाने लायक। दिस इज लीरॉय होटल। लीरॉय होटल की बहुत बड़ी चेन है और आप यहाँ पे आइए, इट्स इन टिहरी। और इनका एक और होटल है फ्लोटिंग हट्स, जो कि आपको डोबरा पुल की तरफ को मिलेगा। सो काफ़ी अच्छा इनका होटल है और काफ़ी अच्छी एमिनिटीज़ हैं होटल की, आप देख ही सकते हैं। एंड अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा है, रिनोवेशन चल रहा है सॉरी। ये प्रॉपर्टी पहले गवर्नमेंट के पास थी बट लीरॉय वालों ने इसको लीज पे ले चुके हैं इस प्रॉपर्टी को। अब प्रीति बात करिए किससे, क्या हुआ? हाउसकीपिंग 462। अच्छा थैंक यू। सो हम लोग फ्रेश हो चुके हैं और अब हम लोग, हमें पता लगा कि आगे 2-3 किलोमीटर की रेंज में एक चाय की दुकान है और वहाँ पे वो थोड़ा बहुत पकौड़ी भी बनाता है। उसने टाइम दिया था 3 बजे का, कि 3 बजे के आसपास लोकल जो ऑफिसेज हैं वहाँ के लोग आते हैं वहाँ चाय वाय पीने के लिए। तो अभी हम लोग वहीं की तरफ जा रहे हैं और थोड़ा सा टिहरी लेक को देखते हुए जाएंगे। तो चले हम लोग चलते हैं। कार्ड निकाल लिया, कर दो लॉक। एक बार हम लोग ऐसे लॉक हो गए थे याद है? एक बार लिफ्ट में क्या हुआ था, एक बार लिफ्ट में प्रीति फंस गई थी और तब से इसकी दहशत है लिफ्ट में, कि लिफ्ट में माय गॉड कैसे चढ़ा जाए। अकेली तो मैडम आती ही नहीं है, अभी भी कहते माटो माटो चलते। मैं सीढ़ी पे जाना ही अच्छा मानती हूं, स्टेज से जब तो खुलता नहीं है ना, सांस इजी हो जाती है ना। सो गाइस हम लोग निकल गए हैं अपने रूम से। चाय पीते हैं और पकौड़ी खाते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं PSDC, ये देखिए पूरा, ये कम से कम 42 किलोमीटर इसकी लेंथ है इस पूरी टिहरी लेक की। कहाँ है वो चाय पकौड़ी की दुकान? अब आगे आने वाली है यार। ये तो नहीं है? हाँ शायद यही है, क्या मिलता है? ये तो सब्जी की दुकान है, देख लेते हैं। बल गाइस मैं आपको बता दूं कि बत्ती गुल मीटर चालू मूवी जिसमें शाहिद कपूर और श्रद्धा कपूर थे, उनकी शूट भी पूरा मूवी का यहीं पे हुआ है। तो बल और खैरा का यूज काफी उस मूवी में किया गया है। तो चलिए आइए पूछ लेते हैं कि ये वो यही दुकान है। शिवम आप चाय पकौड़ी की दुकान कौन सी है? क्या हुआ, हमारी पकौड़ी नहीं मिली? पकौड़ी तो नहीं है, कह रहे आज छुट्टी है तो उसका काम ऐसी है, पकौड़ी के कुछ और खा लेते हैं। मैगी बन जाएगी गाइस, हम लोग खाने वाले हैं मैगी और चाय। चाय तो पियेंगे मैंने कहा मिलते हैं आगे मैगी के साथ। यो ये गरम गरम मैगी, गर्मा गरम मैगी, ये हमारी चाय स्टील की गिलास में, ये फैन, ये प्रीति, सामने झील, गरम गरम चाय,
मौका है, दस्तूर है, ऊपर से लड़की साथ में हो तो अलग ही मजा। मैं बीवी हूँ। हाँ मतलब तो बीवी तो लड़की होती है यार। बीवी बोलो। मेरा मतलब बोलो। और मैं पहला खाने जा रहा हूँ फैन की बाइट। मैं बचपन से फैन का फैन हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह के अभी बज रहे हैं 6:30। मैं भी उठ गया हूँ, प्रीति भी उठ गई है, क्योंकि हम लोग कल जल्दी सो गए थे तो हमारी नींद आज जल्दी खुल गई है। आज ताज्जुब की बात है, आज प्रीति भी बड़ा फ्रेश फील कर रही है, क्योंकि वाकई में कल 9:30-10 बजे हम लोगों ने खाना वाना खा के डिनर करके और हम लोग बिस्तर पर आ चुके थे। एंड कल हम लोग इतना थक गए थे कि हमको जस्ट बिस्तर में आते ही नींद आ गई थी। एक तो ऊपर से बिस्तर भी बड़ा फ्लफी फ्लफी है ना, ऐसे बिस्तर में नींद अच्छे से आ जाती है, ऊपर से ठंड का वो है। और देखिए अभी फ़िलहाल तो मैं टी शर्ट में हूँ, क्योंकि रात में पूरा रूम गर्म था, हमने हीटिंग वाला वो चलाया हुआ था थोड़ी देर, लेकिन फिर बंद कर दिया था, इसको सफोकेशन हो जाता है। तो चलो मैं कुछ पहन भी लेता हूँ, ठंडा लग रहा है मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उनको तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, उनको ही बोला मैंने गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे लगा बोल दिया। एंड गाइस, मैं आपको बाहर का व्यू दिखाने वाला हूँ अपनी विंडो से। क्या ऑसम व्यू, मतलब हम लोग जो मूवीज़ में देखते हैं, और मतलब लिटरली अभी मुझे लग ही नहीं रहा है कि हम लोग उत्तराखंड या देहरादून इंडिया में हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ का बाहर का सीन है। कुछ दिखा रहा हूँ मैं आपको, वेट। अरे मैंने कैमरा घुमा दिया है, ये मेरी विंडो है और ये मैं चढ़ के आपको दिखाऊँगा यहाँ से। गाइस देखा आपने कितना मस्त वेदर हो रहा है बाहर का। एंड आप अगर यहाँ आएंगे तो प्रीमियम लेक वाले रूम में ही रुकिएगा, क्योंकि और रूम्स में ज़्यादा व्यूज़ नहीं है। सो चलिए, तो फिर मैं थोड़ा सा, हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग बाहर आ गए और अंदर से इतना अच्छा व्यू तो नहीं दिख रहा था, क्योंकि विंडो के ऊपर खड़े होकर मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रहा था। तो बट मैं अब यहां से आपको व्यू दिखा रहा हूं। आप ही देखिए, ये होटल का एरिया है और यहाँ से आएंगे तो ये इन्होंने एक आउटसाइड एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पे आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हैं। एंड मेरा गर्म पानी, और अब यहाँ से व्यू देखिए। ग्रेट। तो वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो तो मुझे किसी मूवी का कोई सीन लग रहा है, कि जैसे हम लोग हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं उसमें जो इमेजिनेशन जो व्यूज़ होते हैं कि वहाँ से किंग कॉन्ग निकल के आ रहा है या नॉल, मतलब क्या व्यू आ रहा है। अरे मेरी बीवी आराम फरमा रही है, ये नहीं पता है यहाँ पे कुछ साइड में कुछ है नहीं, ऐसा ना हो थोड़ी देर में मुझे नीचे से हाई कर रही बाय करूँगी मैं नीचे जाके। ये सामने बोटिंग यहाँ से होती है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे चाय पीने के लिए। हाँ, पहले तो अभी हम लोग रूम की चाय पियेंगे। सो हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं। एंड ये यहाँ का रेस्टोरेंट है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये अभी रेनोवेशन में चल रहा है फिलहाल, और यहाँ पे ये सब इनका बुफे का सिस्टम है, ये इनका साउंड सिस्टम है। और मैं आपको एक बाहर का छोटा सा ये टेरेस का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टेरेस है यहाँ। वाओ, ग्रेट। यहाँ से आप व्यू देखिए टेरेस से, कितना खूबसूरत आ रहा है इस लेक का व्यू, और बादलों ने पूरा धूप को जकड़ा हुआ है। सो गाइस, हमारा नाश्ता आ चुका है, ये आलू की सब्जी, ये पूरी। ये चाय। सो हम लोग बैठ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। एंड जो यहाँ के शेफ हैं वो बहुत ही लाजवाब शेफ हैं। वाह, फूड इज़ ऑसम, फूड में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बहुत अच्छी इन्होंने ये सब्जी बनाई है, कल रात में डिनर भी बहुत अच्छा बनाया था। ग्रेट। सो गाइज, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और हम लोग रेडी भी हो चुके हैं। एंड अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम
अब हम लोग जा रहे हैं घर क्योंकि एक दिन टेरी के लिए बहुत है, क्योंकि प्रीति को वाटर स्पोर्ट्स तो इंटरेस्ट है नहीं, ना बोटिंग वोटिंग करती है, डर लगता है इसको पानी से। कभी तो कर लिया कर यार, चलो बेटर भी नेक्स्ट टाइम। एंड यहाँ पे बड़ा मज़ा आया एंड ये होटल बहुत अच्छा लगा एंड द मेन थिंग इज दिस फूड क्वालिटी इज ऑसम। मज़ा आ गया फूड में, कोई कहीं से कोई हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। सो हमने काफ़ी इंजॉय किया इस जगह को, इस स्पॉट को, और हमारे और फ्रेंड्स लोग होते तो हम लोग और इंजॉय करते। हम लोग मिस करते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों को, जो फ्रेंड्स आते नहीं हैं हमारे साथ। एक नोएडा है, एक देहरादून, सब जिसको बोला है सब समझ रहे हैं। हाँ सब समझ गए हैं वैसे तो। खैर कोई बात नहीं, जब बनाएंगे तब बनाएंगे वो लोग भी। ओके सो आज हम देहरादून से जा रहे हैं क्योंकि हमारी कलीग गुरप्रीत मैम हमको इनवाइट कर रही है अपने घर, तो इसलिए हम आज देहरादून जा रहे हैं। एंड मंडे से मेरे स्कूल्स भी ओपन है तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल किशप्रीत ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बी सेफ, तब तक के लिए बाय। किशप्रीत ब्लॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वॉच। किशप्रीत, वेलकम टू किशप्रीत ब्लॉग।